देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। राजस्थान की सियासत में दीया कुमारी का नाम काफी ज्यादा चर्चा में है। प्रदेश की विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने उन्हें विद्याधर विधानसभा सीट से टिकट दिया है, जबकि फिलहाल वे राजसमंद लोकसभा सीट से सांसद हैं। दीया कुमारी जयपुर की राजकुमारी हैं, जो काफी फेमस है। ये जयपुर के अंतिम शासक महाराजा मान सिंह द्वितीय की पोती है, जो बड़े विरासत की मालकिन है। शाही खानदान से लेकर राजनीति तक का सफर इनका काफी अच्छा रहा है। ये अक्सर अपने कॉमेंट्स की वजह से सुर्खियों में रहती है। मौजूदा वक्त में राजकुमारी इस समय अपने विधानसभा चुनावों को लेकर काफी सुर्खियों में है, लेकिन कुछ वक्त पहले ये अपने कमेंट को लेकर सुर्खियों में आई थी, जहां पर दीया कुमारी ने दावा किया था कि ताजमहल उनके परिवार की जमीन पर बनाया गया था और शाहजहां ने उस पर कब्जा कर लिया था। वे भारतीय जनता पार्टी की सदस्य है और राजसमंद से सांसद भी हैं। दीया का जन्म 30 जनवरी 1971 को जयपुर में हुआ था और वे एक प्रतिष्ठित भारतीय सेना अधिकारी और होटल व्यवसायी भवानी सिंह और पद्मिनी देवी की बेटी हैं। उनकी शिक्षा नई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से लेकर मुंबई की जीवी सोमानी मेमोरियल स्कूल और अंततः जयपुर के महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल तक हुई है। इन्होंने आर्ट में डिप्लोमा की डिग्री हासिल की है। गौरतलब है कि 10 सितंबर 2013 को बीजेपी में दीया कुमारी शामिल हुई। दीया ने 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनावों में सवाई माधोपुर से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और सफलतापूर्वक विधानसभा सदस्य का पद हासिल भी किया था। इसके बाद 2019 में राजसमंद से लोकसभा के लिए वे संसद के तौर पर सांसद बनी। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजवंश के महाराजा पद्मनाभ सिंह मौजूदा समय में 23 साल के हैं और उनके पास $697 मिलियन से लेकर $855 मिलियन तक की संपत्ति है। शाही परिवार के संपत्ति का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इनके पास कुल संपत्ति $2.8 अरब की है। शाही परिवार के पास एक शानदार हवेली और 5-स्टार होटल है। शाही परिवार के पास कई लग्जरिया गाड़ियां हैं। इसके अलावा राजकुमारी के पास कई बेशकीमती कई चीजें हैं, जिनकी कीमत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों को लेकर अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए।